पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकै लोक में रहते थे अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के तीन लोक और अपने वचन से रचे, अकै लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सतलोक, और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपुण आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, और ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया, ये वहां रहने लगे।